दोस्तों आज की वीडियो में काफी ज्यादा सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आपने आजकल देखा होगा कि बहुत ज्यादा डीप फेक वाले केस तो चल ही रहे हैं, तो डीप फेक वाली बात तो इस वीडियो में हो ही जाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपके ओरिजिनल फोटो भी कभी लीक हो जाते हैं, हैक हो गया फोन, या फिर कोई आस्तीन का सांपा आपका जो आपका फ्रेंड में ही है, कोई फ्रेंड सर्कल में ही उसने आपका फोन लिया, या फिर किसी भी तरीके से आपके जो प्राइवेट फोटोज है वो उसने चुरा लिए कैसे भी, और वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहा है और आपको हैरेसमेंट कर रहा है, आपको बुलिंग कर रहा है और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और उनको आप बिना कहीं जाए कैसे हटवा सकते हैं उन सोशल मीडिया से। और बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैंने कैसे हटवाए हैं वो आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इससे भविष्य में अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है या फिर प्रेजेंट में अगर ऐसा चल रहा है तो आप अपनी खुद की हेल्प तो कर ही सकते हैं खुद इस वीडियो से। अगर किसी फ्रेंड के साथ होता है आपके तो उसकी भी हेल्प आप कर सकते हैं अगर आपको ये नॉलेज होगी तो। वीडियो को लास्ट तक जरूर बनी रहेगा। तो देखिए, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा कि हैक कैसे होता है या फिर कैसे क्या होता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इतना मान लो कि अगर हैक हो गया आपका फोन और आपके जो प्राइवेट फोटो हैं जो है वो लीक हो चुके हैं और वो अदर अदर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे साथ कैसे क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कांटेक्ट में ही मेरा ये दोस्त है, उसका क्या हुआ कि उसका जो फोन था उसके ईमेल आईडी को हैक करा गया सबसे पहले, और उसकी ईमेल आईडी पर ही वो फोटोज अपलोड थे, गूगल फोटोज और ड्राइव पर कह लो। अब उसने पता नहीं वो प्राइवेट फोटोज क्यों अपलोड कर रखे थे वहां पर, आई डोंट नो, बट हां अपलोड थे। और जब ईमेल हैक हो गया तो एक तरीके से कह ही लो पूरा फोन ही हैक हो गया। आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो कि ईमेल हैक होने पर या फिर एक्सेस होने पर क्या क्या वो सामने वाला बंदा देख सकता है, कर सकता है, पता चल जाएगा आपको। तो उसने वो फोटो चुरा लिए। चुराने के बाद वो क्या करता है, सबसे पहले फेसबुक पर जाता है, और जाने के बाद पता है क्या करता है, वो उन सभी रिलेटिव्स उन सभी फ्रेंड्स को वो फोटो शेयर करने लगता है, यानी कि मैसेज से, क्योंकि उसका अकाउंट हैक कर लिया तो उसने ईमेल के थ्रू, तो उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट को भेजने लगता है, जो भी उसके म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं या फिर जो भी फ्रेंड सर्कल में होते हैं सबको भेजने लगता है। रात में ये करता है सब, और जब उसको पता चलता है मेरे फ्रेंड को, तो पता चलने के बाद वो डिलीट करते रहता है मैसेज, लेकिन एक दिन बाद वो मेरे पास आ पाता है। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने जो उसके अकाउंट थे वो अकाउंट के पासवर्ड चेंज करिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया, मतलब उसके फोन को सिक्योर किया पहले। और जब ऐसा सब कुछ कर दिया तो सामने वाले बंदे ने पता है क्या करना शुरू करा, नए नए आईडी बनाने शुरू किए और नए नए आईडीज पर नए नए पेजेस पर वो फोटोज डालने शुरू कर दिए। यानी कि पता है जो उसने, हालांकि अब तो फेसबुक से मैंने डिलीट करवा दिए हैं वो, लेकिन स्टिल कुछ मतलब स्क्रीनशॉट पड़े हैं वो आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे भाईयात नाम से उन्होंने पेजेस बनाए, आईडी बनाई, बहुत ज्यादा कह ही नहीं सकता मैं क्या क्या बनाया है ना। ऐसे ऐसे जगह और ऐसे ऐसे लोगों को ऐड कर रहा वो बहुत ज्यादा, तो उस पर अपलोड कर रहा और कुछ भी लिख रहा यार वो फोटोज, तो बहुत ज्यादा भाई हरेसमेंट हो गया, बहुत ज्यादा हम मतलब टेंस में थे। और वो तो भाई उसकी तो क्या हालत हो रखी होगी वो मुझे ही पता है। तो सिंपली देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, जो भी पोस्ट उसने अपलोड करी थी, पोस्ट पर जाने के बाद मैं पोस्ट पर गया, थ्री लाइन पर क्लिक करा, जो भी पोस्ट थी थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट पोस्ट पर गया मैं यहाँ पर, और जाने के बाद यहाँ पर जो पहले जो हरेसमेंट वाला है मैंने यहाँ से क्लिक करा था और मतलब रिपोर्ट करने की कोशिश करी। लेकिन इसको उन्होंने क्या कहा फेसबुक वालों ने कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन से ये पोस्ट जो है वो बाहर नहीं है, तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो बड़ा ही दिक्कत हो गई। इसके बाद मैंने दोबारा से रिपोर्ट करा और न्यूडिटी वाले सेक्शन में गया, और न्यूडिटी वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिला मुझे प्राइवेटिंग प्राइवेट इमेजेस, तो इस पर क्लिक करा। और क्लिक करने के बाद मतलब रिपोर्ट करी मैंने, और रिपोर्ट करने ऐसे ही सेम आपको भी करना है। रिपोर्ट करने के बाद क्या हुआ, मतलब 24 से 36 घंटे में वो पेजेस भी रिमूव हो गया और साथ ही साथ वो पोस्ट भी डिलीट कर दी गई फेसबुक के द्वारा, ठीक है। और साथ में ये भी लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, कि अगर फ्यूचर में अगर दोबारा भी अपलोड करता है वो आपसे दोबारा भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे, तो ये आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा, आपको एक केस नंबर मिल जाएगा जब आप रिपोर्ट करेंगे तो, और जब वो फाइनली रिमूव हो जाएगा डिलीट कर दी जाएंगी वो पोस्ट, तब भी आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में ये फेसबुक में ही आ जाएगा, वहीं आपको सब कुछ दिखता रहेगा। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा कर दिया कि आपने एक डिलीट करवा दिया, अगर वो दोबारा बनाता है पेजेस तो क्या करें, तो देखिए अगर वो नए पेजेस भी बनाता है तो आपको डिलीट करवाते रहना है, ठीक है। मतलब रिपोर्ट करेंगे और न्यूडिटी वाले सेक्शन में प्राइवेट इमेजेस पर जाकर रिपोर्ट करेंगे तो जो भी पेजेस होंगे वो डिलीट होते रहेंगे। मैं कैसे बता दूं, क्योंकि मैंने अब तक 4 डिलीट करवा दिए उसकी आईडी और इसके पेजेस, ठीक है। अब फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उसने अब क्या करा, हालांकि उसने अदर सोशल मीडिया पर शायद नहीं किया अब तक, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं है, वो फेसबुक पर ही कर रहा था लगातार, ठीक है। तो हमने क्या करा फिर, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो हमने ग्रीवियंस ऑफिसर जो है फेसबुक के गो इंडिया, जिनको गुरुग्राम में ऑफिस है, वहां पर उनके लिए हमने कंप्लेन डाल दी है। उनका अभी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन हाँ हालांकि मुझे उम्मीद है जरूर आएगा रेस्पॉन्स, जो कि अभी ईमेल आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इस मैटर के बाद वो दोनों शादी कर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात है ये। लेकिन हाँ, मैं उसका नाम और कुछ भी क्लोज मतलब ओपन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके साथ होता है ऐसा तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे। तो हमने ग्रीवियंस ऑफिसर को ईमेल कर दिया, कब रेस्पॉन्स आता है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट या फिर एक नया वीडियो बनाकर आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब अगर बात कर लो कि इंस्टाग्राम पर करा तो उसने क्या करे, तो इंस्टाग्राम पर करेंगे तब भी आपको ये सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेटा के ही हैं दोनों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर भी आप सेम कर सकते हैं। और अगर किसी अदर सोशल मीडिया पर भी करता है तो ये आपको हर सोशल मीडिया पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ट्विटर, स्नैपचैट, कहीं भी करे तो ये ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेंगे रिपोर्ट के। और रिपोर्ट सेक्शन इनका काफी ज्यादा हेल्प करता है, और जब से ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है तब से और ज्यादा एक्शन में आ गए हैं सभी सोशल मीडिया। तो ये तो हो गया मेथड।
नंबर वन, ठीक है। इतना तो मैं कर ही रहा था, साथ में दूसरा मैंने क्या करा इनकी फेसबुक की, जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीजें पढ़ रहा था कि कैसे कैसे करें, तो वहां पर मुझे एक ये वाला सेक्शन मिला। वहां पर लिखा था कि stopnc.org नाम से एक वेबसाइट है, यहां पर आपको केस फाइल करना है। केस फाइल में करने में कुछ नहीं होता, नॉर्मल सी दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे और आपको वो फोटोज अपलोड कर देने हैं जो अभी वायरल करे जा रहे हैं, जो आपके ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। मैंने जब बार बार इनका स्टेटस चेक कर रहा हूं तो मुझे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला इनका। पता नहीं वर्क कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के मैंने रिव्यूज पढ़े कि ये भी वर्क करता है। लेकिन हाँ ये वहां वर्क ज्यादा करता है अगर आपको कोई भी फोटो या कोई भी वीडियोज ऐसी है जो डीप फेक के द्वारा बनाकर अपलोड कर दी जा रही है, वायरल करी जा रही है, उनकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको ओरिजिनल जो फोटो है वो अपलोड करने हैं और जो आपको डीप फेक वाले फोटोज हैं वो भी आपको अपलोड कर देने हैं। आपकी जो प्राइवेसी होगी, जो फोटोज होंगे वो कहीं भी लीक नहीं करे जाएंगे, वो केवल वेरिफिकेशन के पर्पज से यूज करे जाएंगे, वो सेफ रहेंगे और उनको रिमूव कर दिया जाएगा सभी सोशल मीडिया पर जहां पर भी अपलोड होंगे। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, stopnc.org नाम से एक वेबसाइट है, देख सकते हैं। तीसरा मेथड ये है कि आप अपने नियरेस्ट थाने में जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप जाइए, अदरवाइज आप अपने कॉल सेंटर पे भी कॉल करके कर सकते हैं। साइबर क्राइम वालों को 1930 नंबर है, उस पर कॉल करिएगा और सारी रिपोर्ट कर दीजिएगा जो भी आपके साथ चल रहा है, वो लोग भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। हालांकि जो रिपोर्ट करेंगे आप वो थोड़े टाइम बाद आपके नियरेस्ट थाने में ही रिपोर्ट मतलब फॉरवर्ड कर दी जाती है, जैसे कि मेरे साथ अब तक ऐसा हुआ है, मैंने 3 रिपोर्ट करी थी, तीनों ही मेरी यहाँ पर रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी गई, तो वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी, लेकिन स्टिल आपके घर तक कोई नहीं आएगा। और हो सकता है आप आए भी तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी हेल्प करेंगे वो, ठीक है। लेकिन आप वो साइबर क्राइम वाले काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। अब ओवरऑल अगर निचोड़ की बात करूं, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या करना चाहिए, देखिए जो ग्रीवियंस ऑफिसर वाला मैंने ईमेल करा था, उनके ईमेल के नीचे एक मतलब लाइन लिखी थी, वो आप पढ़ सकते हैं कि अगर आपका बहुत ज्यादा मतलब इमरजेंसी केस है, ऐसा केस है कि जिसमें सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकते हैं और भी कोई दिक्कत वाली बात हो सकती है, मतलब डेथ हो सकती है, ऐसा कोई मतलब अटेम्प्ट है, ऐसा कोई मैटर है, तो आप इमीडिएटली ये वाला फॉर्म भरिएगा। तो आप ये चीज भी कर सकते हैं जो कि आपको इमीडिएटली हेल्प चाहिए, तो बहुत ज्यादा सीरियस केस हो चुका है तो, वरना आप रिपोर्ट वाला सेक्शन यूज करिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और बाकी मैं एक पर्सनल एडवाइस अपनी देना चाहूंगा, कोई भी प्राइवेट फोटोज हो वो फोन में ना रखें, कहीं भी अपलोड करें नहीं, और अगर है भी आपके पास तो उसको एक ऐसी जगह सेव करके रखें जहां पर कोई इंटरनेट से उसका कनेक्शन नहीं हो। बाकी सोशल मीडिया पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाकर जरूर रखें, ईमेल पर भी। बाकी इसी के साथ सेफ रहिएगा, खुश रहिएगा, मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।